सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा सारयां दा एक बार फिर तो आई न्यूज़ पंजाब दीयां खबरां विच स्वागत है। तुसी इत्थे हर खबर एक एक करके विस्तार विच जाणोगे, पर उस तो पहला तुहानू सब नू एक बेनती है कि इस वीडियो नू लाइक करो अते पूरा जरूर देखो। आओ जानदे हां अज दी पहली वड्डी खबर। केंद्रीय खेती मंत्री दा वड्डा बयान, सरकार हुण किसानां नाल अद्धी रात नूं वी गल लई तैयार। जी हां दोस्तों, तुहानूं दस दईए कि केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दा हुण वड्डा बयान सरकार ते किसानां विचाले खेती कानूनां संबंधी गल्लबात बारे आया है। तोमर ने कहा कि जेकर कोई भी किसान संगठन अद्धी रात नूं वी खेती कानूनां दी व्यवस्था ते गल करना चाहुंदा है तां सरकार इस लई तैयार है। तोमर ने जेकर किसान जथेबंदियां किसान कानून दे एक्ट बारे गल करना चाहुंदियां हन तां सरकार इस लई तैयार है। बस खेती कानून वापस लैण दी गल ना कीती जावे। पिछले हफ्ते भी खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा सी कि सरकार खेती कानूनां दा विरोध कर रहे किसानां नाल गल्लबात दोबारा शुरू करन लई तैयार है। इस दे नाल ही उन्हां ने किसान जथेबंदियां नूं ठोस दलील नाल अपनी दृष्टिकोण दी व्याख्या करन लई कहा सी। जिथे किते भी तिन्ने खेती कानूनां दीआं व्यवस्थावां उत्ते कोई इतराज है। कैप्टन ने दलित विद्यार्थियों की अद्धी फीस की मुआफ, बाकी लई केंद्र कोल अरजोई। जी हाँ दोस्तों, तुहानू दस दईए कि दलित विद्यार्थियों लई पोस्ट मैट्रिक वजीफा तहत निजी सिक्ख्या संस्थावां दे 200 करोड़ रुपए के बकाए का 40% हिस्सा यानी कि 80 करोड़ रुपए पंजाब सरकार वालों अदा करन दा फैसला किया गया है। स्कॉलरशिप की बाकी रकम की अदायगी लई प्रधानमंत्री नूं आख्या जाएगा। यह फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी प्रधानगी विच सूबे दे मंत्री मंडल दी हुई वर्चुअल मीटिंग विच लिया गया। मंत्री मंडल वल्लों मंत्रियां दे समूह जिस दी स्थापना उपरोक्त समें लई SC वर्ग लई पोस्ट मैट्रिक वजीफा स्कीम नूं सुचारू ढंग नाल चलाउण विच पेश आ रहियां औकड़ां ते विचार करन लई कीती गई सी। दुबारा जमा कीती रिपोर्ट नूं मंजूरी देण तों इलावा इह फैसला वी कीता गया कि सरकार वल्लों इह बकाए निजी संस्थावां नूं साल 2021-22 लई 3-1 समान तिमाही किश्तां विच अदा कीते जाणगे। SC विद्यार्थियों लई पोस्ट मैट्रिक वजीफा स्कीम केंद्रीय सहायता राहीं लागू कीती जा रही है, पर साल 2017-18 तों लै के 2019-20 तक कोई भी फंड नहीं जारी कीते गए। कैबिनेट वल्लों भर्ती प्रक्रिया विच तेजी लियाउण लई 5 विभागां दे नियमां विच सोधां नूं हरी झंडी। जी हां दोस्तों, तुहानूं दस दईए कि सरकारी विभागां विच भर्ती प्रक्रिया विच तेजी लियाउण लई मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई हेठ पंजाब मंत्री मंडल ने शुक्रवार नूं तकनीकी सिक्ख्या अते उद्योगिक सिखलाई, जल सप्लाई ते सैनीटेशन, पुलिस अते पेंडू विकास ते पंचायत विभागां दे सेवा नियमां विच सोध नूं परवानगी दे दित्ती है। इह कदम सरकारी विभागां बोर्डां कारपोरेशनां अते एजेंसियां विच पड़ावार अते समाबद्ध ढंग नाल खाली असामियां भरन संबंधी सरकार दी सूबा रोजगार योजना 2020-22 विच तेजी लियावेगा। इस प्रक्रिया विच शामिल पुनर्गठन दी प्रक्रिया सूबे दे प्रशासन दे कामकाज नूं वधेरे कुशल बनाउण लई मनुखी वसीलियां नूं तर्कसंगत करन विच सहाई साबित होवेगी। मुख्यमंत्री दफ्तर दे इक लारे अनुसार मंत्री मंडल ने भारत सरकार दे नियमां दी तरज ते तकनीकी सिक्ख्या अते उद्योगिक सिखलाई विभाग दे क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टरां दे सर्विस रूल्स विच सोध करन नूं मंजूरी दे दित्ती है। जिंदगी दी जंग हारे फ्लाइंग सिख मिलखा सिंह। जी हां दोस्तों, तुहानू दस दईए कि फ्लाइंग सिख मिलखा अज जिंदगी दी जंग हार गए हन। दस दईए कि PGI विच दाखल मिलखा सिंह ने शुक्रवार नूं रात तकरीबन 11:24 ते अपनी जिंदगी दे आखरी साह लए। प्राप्त जानकारी अनुसार मिलखा सिंह दा ऑक्सीजन दा पद्धर घट रहा सी, जिस कारण उन्हां नूं फिर हस्पताल दाखल करवाया गया सी। पिछले कई दिनां तों ओह हस्पताल विच इलाज अधीन सी। ओह पिछले हफ्ते हालत स्थिर होने तो बाद हस्पताल तो वापिस आ गए सी। तुहानू दस दईए कि कुछ दिन पहला ही उन्हां दी पत्नी दी कोरोना कारण मौत हो गई सी।
पंजाब सरकार ने विद्यार्थियों नूं दित्ता खास तोहफा, दिते जाणगे 17 किस्मां दे वजीफे। जी हां दोस्तों, तुहानूं दस दईए कि विद्यार्थियों की पढ़ाई नूं यकीनी बनाउण अते उन्हां नूं उत्साहित करन वास्ते सरकार वल्लों इस समय 17 किस्म दे वजीफे दिते जा रहे हन। इस दी जानकारी दिंदे होए पंजाब स्कूल सिक्ख्या विभाग दे इक बुलारे ने दस्सिया कि अनुसूचित जाति लई प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम हेठ 9वीं अते 10वीं दे विद्यार्थी सलाना 3000 रुपए प्रति विद्यार्थी वजीफा दिता जाता है। यह वजीफा उन्हां विद्यार्थियों नूं दिता जाता है जिन्हां दे मापिआं दी आमदन 2.50 लाख रुपए तो घट होवे। इसे तरह ही होर पछड़ियां श्रेणियां दे पहली तो 10वीं तक दे विद्यार्थियों नूं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम हेठ 1500 रुपए सलाना वजीफा दिता जाता है। इस विच भी मापिआं दी सलाना आमदन की सीमा 2.50 लाख रुपए रखी गई है। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना वजीफा स्कीम दे हेठ 10वीं विचों 90% जां वध अंक प्राप्त करन वाले विद्यार्थियों नूं 2 साल लई 3000 रुपए प्रति महीना वजीफा दिता जांदा है। यह वजीफा स्कीम सिर्फ सरकारी अते आदर्श स्कूलां दे योग विद्यार्थियों लई है। विश्व भर दे 40 सेहत माहिरां दी चेतावनी, भारत विच अक्तूबर तक आ सकदी कोरोना दी तीजी लहर। जी हां दोस्तों, तुहानूं दस दईए कि भारत विच कोरोना दी तीजी लहर नूं लै के चेतावनी जारी कीती गई है। सेहत माहिरां दी इक टीम ने अक्तूबर तक देश विच कोरोना दी तीजी लहर आउण दा खदशा प्रगटाया। मैडिकल माहिरां दे राइटर्स पोल अनुसार अक्तूबर तक भारत विच कोरोना वायरस दी तीजी लहर आउण दी संभावना है। राहत दी गल इह है कि सेहत माहिरां अनुसार तीजी लहर भारत विच आई दूजी कोरोना लहर दे मुकाबले वध कंट्रोल होवेगी, पर इस लहर कारण देश विच कोरोना वायरस इक होर साल तक बनिया रह सकदा है। दुनिया भर दे 40 सेहत माहिरां, डॉक्टरां, विज्ञानियां, वायरोलॉजिस्ट, महामारी विज्ञानियां अते प्रोफेसरां दे 3-17 जून दे स्नैप सर्वेखण तों पता लगा है कि भारत विच टीकाकरण विच इक महत्वपूर्ण तेजी आना तीजी लहर दे कहर नूं थोड़ा घट कर देवेगा। पंजाब सरकार वल्लों 6वें तनखाह कमीशन नूं हरी झंडी। हुण हरेक मुलाजम नूं 18000 रुपए प्रति महीना मिलेगी घट्टो घट तनखाह, 2 किश्तां विच मिलेगा बकाया। जी हां दोस्तों, तुहानूं दस दईए कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने 6वें तनखाह कमीशन दीआं बहुतीआं सिफारशां नूं प्रवान करन दा फैसला कीता। इन्हां नूं 1 जुलाई 2021 तों लागू करन अते 1 जनवरी 2016 तों अमल विच लियाउण दा वी फैसला कीता। इस नाल सूबे दे 5.4 लाख सरकारी मुलाजमां ते सेवा मुक्त कर्मचारियां नूं वड्डा लाभ पुजेगा। सूबाई वजारत दी मीटिंग विच लए गए इस फैसले नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने सूबे दी चिंताजनक वित्ती हालत दे बावजूद लोकां नाल कीता इक होर वड्डा वादा पूरा कर दिता। इस फैसले दे नतीजे वजो सरकारी कर्मचारियां दी घट्टो घट तनखाह 6950 प्रति महीना तों वध के 18000 रुपए प्रति महीना हो जाएगी। तनखाहां ते पेंशनां पिछले तनखाह कमीशन दीआं सिफारिशां दे मुकाबले इस वार 2.69 गुणा वध जाणगीआं अते सालाना इंक्रीमेंट 3% मिलेगा। ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਇਮਤਿਹਾਨ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਡ 195 ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। 28 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ PU ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 75% ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। PU DUI ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VR ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। PU ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 75% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
गैंगस्टर जयपाल भुल्लर दे मुड़ पोस्टमार्टम दे मामले विच सुप्रीम कोर्ट दा फैसला। जी हाँ दोस्तों, तुहानू दस दईए कि गैंगस्टर जयपाल भुल्लर दे मुड़ पोस्टमार्टम दे मामले विच सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिता है। तुहानू दस दईए कि परिवारिक मैंबरां ने सुप्रीम कोर्ट विच दोबारा पोस्टमार्टम लई अपील कीती सी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट नू इस मामले दी मुड़ सुनवाई करन दे आदेश दित्ते हन। जदों तक अदालत अपना फैसला नहीं सुनाउंदी उदों तक जयपाल दी लाश दी पंजाब सरकार देखभाल करे। गैंगस्टर जयपाल भुल्लर दा पिछले 10 दिनां तों अंतिम संस्कार नहीं कीता गया। 9 तरीक नूं कोलकाता विच STS कोलकाता अते उको ने गैंगस्टर जयपाल भुल्लर अते जस्सी दा एनकाउंटर कीता सी। 12 तरीक नूं जयपाल भुल्लर दी मृतक दे उस दे घर फिरोजपुर आई सी। पंजाब सरकार गैर कानूनी माइनिंग नूं रोकण लई नियमां अते दिशा निर्देशां विच करेगी सोध। जी हां दोस्तों, तुहानूं दस दईए कि सूबे विच गैर कानूनी माइनिंग नूं ठल पाउण अते वातावरण नूं दूषित होण तों रोकण लई अज पंजाब मंत्री मंडल ने वख-वख सोधां राहीं होर सख्त दिशा निर्देशां अते नियमां नूं मंजूरी दित्ती। पंजाब माइनर मिनरल रूल्स 2013 अते पंजाब राज स्टोन क्रशरां दी रजिस्ट्रेशन अते कार्ज लई नीतिगत दिशा निर्देश 2015 विच सोध कीती जावेगी तां जो सूबे विचों कढे गए किसी भी तरह के छोटे खनिज का सही ढंग नाल हिसाब रखना यकीनी बनाया जा सके। यह फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रधानगी हेठ मंत्री मंडल की वर्चुअल मीटिंग विच लिया गया। इन्हां नियमां दिशा निर्देशों संबंधी 4 अहम सोधा नाल गैर कानूनी स्टोन क्रशरां ते सख्ती नाल रोक लगाउण दा राह पद्धरा होवेगा। इन्हां सौदा राही किसी भी रूप विच खनिजां दी ढोआ ढोआई लई वरते जांदे वहीकलां दी रजिस्ट्रेशन नूं लाजमी कीता गया है। खनिज ट्रांसपोर्ट लई परमिट दी जरूरत अते वहीकलां दी असल समय दी ट्रैकिंग लई GPS भी लगाउणा होवेगा। दोस्तो, जे तुहानूं इह साडी जानकारी वधिया लगी तां कमेंट करके दस्सिओ, लाइक अते शेयर जरूर करिओ अते साडे चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ। धन्नवाद।